हरियाणा और केंद्र सरकार लगातार बेटियों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है और सोनीपत की पीएनडीटी टीम इन प्रयासों को सार्थक कर रही है। सोनीपत की पीएनडीटी टीम ने आज लिंग जांच का गोरख धंधा करने वाली शहनाज नाम की महिला को पुलिस की सहायता से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर आप गर्भवती हैं और आप लिंग जांच करवाने की सोच रही हैं तो सावधान, क्योंकि लिंग जांच करवाने वाला गिरोह फर्जी भी हो सकता है और आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह हम आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सोनीपत की पीएनडीटी टीम ने सोनीपत की रहने वाली एक शहनाज नाम की ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो पहले भोली भाली गर्भवती महिलाओं को अपने जाल में फंसाती थी और फिर उनका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराकर उन्हें लड़का और लड़की होने की जानकारी देती थी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पीएनडीटी टीम के सोनीपत इंचार्ज डॉक्टर आदेश शर्मा ने बताया कि हमें एक जानकारी मिली थी कि एक महिला लिंग जांच करवाती है, तो हमने एक फर्जी करा तैयार करके उसके पास भेजा। उसने सोनीपत में सत्य किरण अल्ट्रासाउंड में उसका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराया और उसे बाहर आकर लड़की होने की जानकारी दी। हमें यह भी शक है कि यह गर्भपात का धंधा करती है। महिला को पुलिस को सौंप दिया गया है। महिला शहनाज सोनीपत की ही रहने वाली है। अल्ट्रासाउंड केंद्र सत्य किरण में शहनाज में महिला का अल्ट्रासाउंड कराया था। हमने उसके कागजात भी देखे हैं। उनके पास सभी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हैं। उनकी तरफ से कोई भी लिंग नहीं बताया गया है। आज पीएनडीटी सेल सोनीपत को खबर लगी थी कि शहनाज नाम की एक लेडी है जो लिंग जांच में इन्वॉल्व है। इस सूचना के पर हमने एक फर्जी ग्राहक भेजा उसके पास, जिसके लिए 25,000 रुपये उसने लिंग जांच की पुष्टि कर दी। 25,000 रुपये लेके जब मरीज भेजा तो उसने 25,000 लेके पहले एक डॉक्टर सुनीता धनखड़ा वहाँ से रेफर स्लिप बनवाती है, फिर सत्य किरण से उसका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा के 1,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा लगते हैं। जब अल्ट्रासाउंड लेके रिपोर्ट आ जाती है फिर अपनी तरफ से ही बोल देती है लड़की। तो यह है, उससे लड़की बोलने का मतलब ये मान के चलते हैं कि फिर अबॉर्शन भी करती होगी। कुछ हमने रिकॉर्डिंग करी है जिसमें उसने माना है कि मैं अबॉर्शन भी करवा दूँगी, तो पीएनडीटी एक्ट के अंदर उसको पकड़ लिया है। उससे जो 25,000 दिए थे 24,000 रुपये हमने रिकवर कर दिए हैं। बाकी दरखास्त पीएनडीटी एक्ट के अंदर हम गीता भवन पुलिस स्टेशन है वहाँ दे दिए। एमटीपी के अंदर आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो सत्यकरण की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इसमें? सत्यकरण में हमने जाके देखा, फार्म एफ वगैरह उन्होंने जो गाइडलाइंस होती हैं वो ठीक अपने हिसाब से कर रखी है। 1,000 रुपये उन्होंने लिए, जो आईडी या कंसेंट लेते हैं वो हमें ठीक मिली। उस मेल फीमेल कुछ ऐसा वहाँ से हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला अभी सत्यकरण की अभी इन्वॉल्वमेंट हो। खबर तहलका के लिए सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।